नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज इस वीडियो में हम आपको कोई भी ऐसा वैसा बेकार टोटका नहीं बताएंगे, ना ही कोई ऐसी चीज़ जो आपको हास्यास्पद लगे, क्योंकि ऐसे कई सारे चैनल हैं, ऐसे कई सारे वीडियोज़ आपने देखी होंगी जिसमें आपको अजीब तरीके के टोटके बताते हैं कि लौंग लगाओ, इलायची लगाओ, ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको वो बताते हैं कि आपको हम इतना धनवान बना देंगे, इतना धनवान बना देंगे, ऐसे वगैरह वगैरह वीडियोस जो आपको एक तरह से मैं कहूँगा ये बकवास वीडियोस होते हैं। तो इन वीडियोस पे आप ध्यान मत दीजिए। आज हम आपको सच्चा और सही तरीका बताएंगे, एक सच्चा अनुष्ठान या एक सच्चा सवा महीने का जो मैं आपको बताता हूँ अनुष्ठान, एक ऐसी चीज़ जिसे आप अगर करते हैं सवा महीने तो आप निश्चित धनवान बन सकते हैं। और ये कोई टोटका या कोई ऐसी बकवास बात नहीं मैं इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए, मैं पहले आपको समझाऊँगा कि किस तरह धनवान बनते हैं या किस तरह से आप धनवान बनना, मतलब कौन इंसान धनवान बन सकते हैं। पहली बड़ी चीज़ तो आपको पहचानना होगी कौन इंसान धनवान बन सकता है। जैसे कि आप लोगों ने कई जगहों पर सुना होगा, कई लोग आपको बताते हैं कि जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, जो लोग जी तोड़ मेहनती होते हैं, उनके पास बहुत धन होता है। पर ये एक तरह से मैं आपको कहूँ गलत चीज़ है। जी हाँ, आपने एक गधे को देखा होगा। जी हाँ, गधा। आप जानते होंगे गधा कितना जी तोड़ मेहनत करता है, कितनी मेहनत करने के बावजूद भी उसका जीवन किस तरह का होता है, आप तो जानते ही होंगे। कभी सूखी रोटी तक, कभी सूखी घास तक उसको नहीं मिलती है ठीक से, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वह गधा गधा का ही रहता है। तो क्या जी तोड़ मेहनत करने से ही धन आ जाता है? जी नहीं। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ऐसा आप लोगों को सुना होगा, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं क्या उनके पास बहुत धन होता है? आपने सुना होगा कि वो व्यक्ति या वो इंसान बहुत बुद्धिमान है तो क्या उसके पास धन आ जाएगा? जी हाँ, नहीं, इससे भी नहीं होता। क्योंकि आपने कई बार ऐसे बड़े बड़े दिमागदार लोगों को देखा होगा, ऐसे आपने बहुत सारे ब्राह्मणों को देखा होगा जिनके पास बहुत बड़े बड़े विद्याएं हैं। आपने देखा होगा अकबर बीरबल, आपने देखा होगा, उसमें पता किया होगा, आपने देखा होगा कभी भी, अगर आपने शोज देखे होंगे टीवी में तो आपको पता होगा बीरबल भले कितना बुद्धिमान था पर अकबर से अमीर नहीं था कभी। तो क्या बुद्धिमानी अमीरी लाती है? जी नहीं। तो सिर्फ बुद्धिमानी आपको अमीर नहीं बना सकती, ये चीज़ तो आप जानते ही हैं। देखिए, बुद्धिमान और मेहनती, ये दो चीज़ें आपके जीवन में ज़रूरी हैं, लेकिन एक और चीज़ जो आपको धनवान बनने में निश्चित ही मदद करती है वह है कृपा। जी हाँ, कृपा। आप मेहनती हैं और बुद्धिमान भी, परंतु आपके पास धन हो ये ज़रूरी नहीं। एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी कृपा आपको इस संसार में, एक ब्रह्मांड में, एक तरह से चीज़ों को अपने अंदर ग्रहणशील कर देती है। देखिए, कृपा का अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। कृपा मतलब वह इंसान जो अपने आसपास की चीज़ों के लिए खुला है, जो इंसान जीवन की संभावनाओं को रोक नहीं रहा है, जिस इंसान ने अपने जो शारीरिक बाधाएं हैं उन्हें खोल दिया है, जिस पर कृपा बरस रही है, जो एक तरह से प्रफुल्लित इंसान है, उस पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि वो बंदी है, वो खुला हुआ इंसान होता है। उस पर कृपा, एक छोटा सा फूल को अगर वो पानी तक देता है ना, तो उसकी जो कृपा होती है, फूल की जो कृपा उस देता है उस व्यक्ति को, वो उसको लगती है। मतलब एक छोटी छोटी चीज़, हर जीवन का हर अनुभव उस पर कृपा बरसात। तो ऐसी कुछ महिमा होती है कृपा की। तो कृपा पाने के तीन रास्ते हैं, उन तीन रास्तों की आज हम बात करेंगे और इनका उपाय जानेंगे कि कैसे आप पा सकते हैं कृपा। देखिए, कृपा पाने के तीन रास्ते हैं, तो उन तीन रास्तों को मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहला रास्ता है भक्ति से या फिर श्रद्धा से, यानी कृष्ण को पाकर या फिर विष्णु या शिव, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, उन्हें पाकर आप ये कृपा पा सकते हैं। देखिए, आजकल भगवान की श्रद्धा, ये सब चीज़ें का अर्थ बदल गया है। आप भगवान को एक इंश्योरेंस की तरह रखते हैं। आप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों की बात, जो लोग करते हैं इस तरह, वो लोग भगवान को एक इंश्योरेंस की तरह रखते हैं। जब समस्या आती है तभी उनको भगवान का नाम याद आता है, उसके अलावा एक तरह से कोई रिश्ता ही नहीं रहता भगवान से। भगवान का अर्थ ये है कि आप उन्हें एक जीवंत व्यक्ति, एक जीवंत रूप की तरह समझें, जिसे आप हमेशा अपने साथ रखें। वो आपके लिए एक ऐसी चीज़ हो जो आपका ही हिस्सा है। वो आपने बड़े बड़े भक्तों को देखा होगा, बड़े बड़े लोगों को देखा होगा जो भगवान को अपना ही कोई रिश्तेदार या कुछ बना लेते हैं। जैसे अगर आप मीराबाई को देखें तो उनके लिए श्री कृष्ण उनके पति थे,
और किसी के लिए तो श्री कृष्ण उनके मित्र या ऐसे कई सारे आप अनुभव या उदाहरण आप देख सकते हैं। तो भक्ति वो चीज़ है जिसमें आप लीन हो जाते हैं। देखिए भक्ति का मतलब है समर्पण, आप पूरी तरह से उस इंसान के प्रति समर्पित हो जाएं, आप वही इंसान बनने लगे। श्री कृष्ण का समर्पण का आपके अंदर है तो आप श्री कृष्ण जैसे बनने लगते हैं, आप उस प्रति उस व्यक्ति के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, अपना जीवन तक उस व्यक्ति के लिए दे देते हैं। तो उसका अर्थ होता है भक्ति, निस्वार्थता जिसमें आ जाती है वो होती है भक्ति। और आज के ज़माने में आप देखते होंगे 10 रुपये का नारियल लोग चढ़ाते हैं और उम्मीद 10,000-10 करोड़ की रखते हैं। तो आप भगवान को सौदा नहीं कर सकते, आप भगवान से सौदेबाजी नहीं कर सकते। आप जो दुनिया बनाया है, जिसने दुनिया खड़ी की है, उससे सौदेबाजी में आप नहीं कर सकते कुछ। सौदेबाजी बाजारों में चलती है, भक्ति और श्रद्धा में नहीं। लेकिन आज के ज़माने में आप देखेंगे सौदेबाजी हर तरफ है, और आप दुनिया चलाने वाले से, दुनिया बनाने वाले से अगर सौदेबाजी करेंगे तो आपको लगता है कि वो इतना मूर्ख है कि आपसे सौदेबाजी में हारेगा? नहीं, वो इतना मूर्ख नहीं कि आपके 10 रुपये के नारियल के लिए इतनी बड़ी चीज़ आपको दे दे। इसके लिए आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा कष्ट, थोड़ी श्रद्धा। इसलिए आज के ज़माने में आपको श्रद्धा वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो दूसरा तरीका जो है कृपा पाने का, मैं उसको भी आपको समझा देता हूँ, वह है गुरु की कृपा। देखिए गुरु की कृपा पाने का जो रास्ता है वो थोड़ा आढ़ा टेढ़ा और कठिन है। पहली बड़ी बात, आपको गुरु ढूंढना पड़ेगा। गुरु कोई ऐसा इंसान जो पहुंचा हो, जिसके पास गुरु वाली काबिलियत हो। आज के गुरु तो आप जानते हैं किस तरह के गुरु हो गए हैं दुनिया में, गुरु घंटाल ज़्यादा मिलेंगे आपको, गुरु कम। तो गुरु की कृपा पाना पहली बड़ी बात, आपको गुरु ढूंढना पड़ेगा। और अगर आपको अच्छा गुरु मिल भी जाता है तो आप में उस तरह का अनुशासन होना चाहिए, और आज के ज़माने में आपको अनुशासन कहीं नहीं मिलेगा। अगर गुरु ये कहता है तो आप उसका चीज़ करते हैं, लेकिन कई बार देखिए मैं आपको समझाता हूँ गुरु के काम का मतलब। आप जैसे आप गुरु आपको कुछ कहता है तो आपको सटीक एक शब्द से शब्द मिला के उनका काम करना चाहिए, पर आज के ज़माने में अनुशासन नहीं है। कोई गुरु आपसे कुछ काम कहेगा तो आपके मन में क्यों का सवाल पहले आएगा, क्यों का सवाल उनके मन में नहीं आता जिनके मन में श्रद्धा होती है गुरु के प्रति। वो क्यों सोचते ही नहीं हैं, अगर गुरु ने कह दिया तो कह दिया। क्यों का सवाल उनके मन में आता है जिनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं, तो वो गुरु की कृपा नहीं पा सकते। तो ये दूसरा चीज़ है जिसे आप पा सकते हैं गुरु की कृपा। जैसे आपने कई सारे एग्जांपल देखे होंगे कि गुरु कहते हैं गुड़ लाओ तो शिष्य चीनी लाता है, ऐसे कई सारे आप मैं बता सकता हूँ एग्जांपल जिसमें गुरु की कृपा पाना कठिन है। क्योंकि तो पहली बात आपको गुरु नहीं मिलेगा, और दूसरी बात अगर मिल भी जाएगा तो आप साशब्द उसका बातों का पालन नहीं कर पाएंगे, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो है कृपा पाने की, वो है गाय या गौ माता की कृपा। अब गौ माता की कृपा पाना थोड़ा आसान है, थोड़ा आसान इसलिए क्योंकि वो माँ है, और माँ कभी अपने बच्चे से रुष्ट नहीं रह सकती। तो ये चीज़ है कि आप गौ माता से अपनी कृपा पा सकते हैं, यानी कृपा आप पर बरस सकती है गौ माता के ज़रिए। अब यहाँ आता है हमारा 1.25 महीने का अनुष्ठान। जी हाँ, 1.25 महीने का अनुष्ठान जिसके कारण आपको गौ माता की कृपा मिल सकती है या कृपा आपको मिल सकती है। तो आपको क्या करना होगा गौ माता के लिए, गौ माता की कृपा पाने के लिए आपको एक छोटा सा अनुष्ठान जो 1.25 महीने का है उसे हम इस वीडियो में बताएंगे। तो इससे आपके ऊपर कृपा आएगी, आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। धन कमाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही है, कुछ ना कुछ तो करना ही है, कुछ ना कुछ तो काम करना ही है। लेकिन अगर आपके साथ कृपा जुड़ जाती है तो आप अगर थोड़ा काम करते हैं तो जो उसका कृपा का असर होगा वो एक विस्फोटक असर होगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कृपा पाना भी जरूरी है। चलिए हम बात करते हैं वो कौन सा 1.25 महीने का अनुष्ठान है जिसे आपको करना चाहिए जिससे आप पर कृपा बरसेगी गौ माता की, चलिए जान लेते हैं। तो इस अनुष्ठान को करने से पहले आपको कुछ सावधानियाँ रखनी है या कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी है इस अनुष्ठान को करने से पहले। तो उन सावधानियों को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ या बता देता हूँ। तो पहली सावधानी या पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो यह है कि अभी जो अनुष्ठान मैं आपको बता रहा हूँ यह सिर्फ पुरुष कर सकते हैं। जी हाँ, ये अनुष्ठान सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं इस अनुष्ठान को नहीं कर सकती हैं। और पुरुष कौन से मैं आपको समझाता हूँ, वो पुरुष जो कर्मशील हैं, यानी जो कर्म करते हैं, जो दिन भर सोते नहीं हैं, जो आलसी नहीं है, ऐसे पुरुषों को ये नहीं करना चाहिए। सिर्फ कर्मशील पुरुष जो कर्म करते हैं, जिनका रोज कर्म करने में विश्वास है, उन पुरुषों को यह अनुष्ठान करना चाहिए। तो अनुष्ठान की दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी हुआ यह है
कि जो भी आप गाय का अनुष्ठान में प्रयोग करें वो आपकी खुद की गाय हो, यानी जो भी गाय मैं अनुष्ठान आपको बता रहा हूँ वो गाय आपकी खुद की हो और उसका सेवा सत्कार आप ही करते हो, यानी सेवा सत्कार आप बढ़िया से करते हो एक माँ की तरह, और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको अनुष्ठान समझा देता हूँ, अनुष्ठान किस प्रकार से है, क्या चीज़ें आपको करनी है। तो इस अनुष्ठान में आपको तीन चीज़ें करनी है। पहली चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ इस अनुष्ठान में, आपको पहली चीज़ जो आपको इस अनुष्ठान में करनी है वह यह है कि आपको एक तांबे का लोटा लेना है, तांबे का या कोई भी, वैसे तांबा सबसे सर्वोत्तम होगा, उत्तम होगा, तो आपको तांबा लेना है, तांबे का लोटा, और आपको गौ माता के, जो गौ माता है उनके पीछे आपको यह लोटा छुआना है, और इस लोटे को अब छुआ देना है। उसके बाद उस लोटे में आपको थोड़ा सा गौ माता का दही, आप उसी उन्हीं गौ माता का अपने जो दही बनाया है अभी घर में, उस उन गौ माता का आपको थोड़ा दही लेना है, और थोड़ा पानी मिलाकर, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर आपको रोज़ सुबह 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 सुबह, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुबह आपको तभी अर्घ देना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ सुबह आपको अर्घ देना है, इसी लोटे के जल और दही मिले हुए पानी का आपको अर्घ देना है सूर्य को, सूर्य जी को। और कब देना है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बहुत लोग अर्घ देते हैं बट गलत टाइम पे देते हैं। कब देते हैं, जब धूप दोपहर हो गई होती है, या फिर ऐसे समय देते हैं जब वो सूर्य को अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते, चौंधिया जाती हैं उनकी आंखें, तब ऐसे अर्घ देने का कोई अर्थ नहीं। अर्घ तब दिया जाता है, या सूर्य को पानी तब, जल तब दिया जाता है जब आप सूर्य में अपनी आंखें मिला सकें, यानी आप सूर्य को एक टकटकी से नज़रों से देख सकें। ऐसा नहीं कि आप देख ही नहीं पा रहे, आपकी आंखें चौंधिया जा रही हैं, आपको सूर्य के सामने आपको देखना है, और उस जल की जो पानी की धारा हो उसमें से आपको सूर्य को देखना है, यानी जो पानी की जल की धारा है उसमें से आपको सूर्य को देखना है, जिससे कि उनकी किरणें आप इस जगह पड़े। तो ये चीज़ आपको करनी है। दूसरी चीज़ जो दूसरा इस अनुष्ठान का दूसरी चीज़ जो आपको करनी है मैं आपको वो समझाता हूँ। तो जो दूसरी चीज़ आपको इस अनुष्ठान में करनी है वह यह है कि आपको कच्चा दूध आपको लेना है, कच्चा दूध, और वही लोटा जो मैं आपको बताया हूँ, उस लोटे का इस्तेमाल करके आपको हर रोज़ अगर आपके पास खुद का शिवलिंग है तो ठीक, नहीं तो आपके आसपास कोई मंदिर होगा ही जहाँ पे शिवलिंग होगा, तो आपको वहाँ पर वह जल अर्पित करना है, शिव जी को चढ़ाना होगा। कच्चा दूध हो तभी अच्छा रहेगा, उस कच्चे दूध का इस्तेमाल करके आपको शिव जी को चढ़ाना है। उसमें थोड़ा पानी मिला देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ज़्यादा दूध आपके यहाँ नहीं हो पाता या वो गौ माता ज़्यादा दूध नहीं देती तब भी कोई समस्या नहीं, आपको उसमें थोड़ा पानी मिलाकर कच्चा दूध ही शिव को अर्पित कर देना। शिव तो महान है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस उनका जल और दूध मिला हुआ वो चीज़ आपको चढ़ानी होगी, अर्पित करनी होगी शिवलिंग पर, ये सबसे उत्तम होगा। क्योंकि शिव ऐसे देवता नहीं है जो आप बहुत वैभवशाली चीज़ें देंगे तभी खुश होंगे, थोड़ी चीज़ों में भी शिव खुश हो जाते हैं। तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, आपको ये चीज़ दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ ये करनी है। इसके बाद आपको तीसरी जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ इस अनुष्ठान का तीसरा भाग जो आपको करना है वो यह है कि आपको उसी लोटे का इस्तेमाल करना है जो इससे पहले हमने इस्तेमाल किया है, तो उसी लोटे का आपको इस्तेमाल करना है, और इस लोटे में आपको जल भर लेना है, साफ़ सुथरा जल, और उसमें तिल, काले तिल आपको डाल देने हैं उसी जल में, और उसे अपने घर की दक्षिण दिशा में, आपको दक्षिण दिशा में जाना है अपने घर की, और दक्षिण दिशा में जाने के बाद किसी भी दिशा घर में कोने में, लेकिन आपको दक्षिण में जाना है, और उस दक्षिण में जाकर आपको उस लोटे के जल को अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको अपनी गौ माता के पास आना है, जिन्हें आप अपने घर में कहीं भी रखते हो वहाँ पर आपको अपनी गौ माता के पास आना है, और उन गौ माता के पूछ को आपको पढ़ना है। एक बात मैं बता दूं आपको, गौ माता की पूछ में नाग देवता का वास होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं गाय जी के अलग अलग अंगों में अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है, उसी तरह उनकी पूछ में नाग देवता का वास है, और नाग देवता का ही इस कलयुग में धन पर आधिपत्य है, या उस पर उनका अधिकार है, जितना भी धन है वो नागों के पास ही माना जाता है। तो आपको उनकी पूछ पकड़नी है और उनकी खुरों की तरफ देखना है, क्योंकि खुरों में भी नाग देवता का वास माना जाता है गाय के खुरों में। तो इस हिसाब से टोटल 9 सर्प हो गए माता जी के, या गौ माता के शरीर में या अंगों में। जिसके कैसे मैं आपको समझाता हूँ, एक पैर के या एक पैर में 2 खुर होते हैं, तो टोटल 8 खुर यानी 8 नाग हो गए, और एक पूछ में नाग, तो टोटल 9 नाग होते हैं, 8 और एक 9, तो 9 नाग होते हैं। और उसके बाद आपको उनका स्मरण करना है, उनको देखना है खुरों को और पूछ को, और उनका स्मरण करना है नागो नाग देवता का।
इससे क्या होगा, आपको धन लाभ ज़रूर होगा। इससे आपके घर में जो दरिद्रता है, गरीबी है, ये दूर हो जाएगी निश्चित ही। ये अनुष्ठान आपको 1.25 महीने करना है, और अगर 1.25 महीने आप ज़्यादा करते हैं तो फिर ये मान के चलिए अगर आपका कोई कर्जा है, कुछ भी दिक्कत है आपको, वो सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। आपके क्या बताएं, आपके पीढ़ियों तक कभी गरीबी नहीं रहेगी अगर आप इसे कई सालों तक ऐसे करते रहते हैं। तो यह अनुष्ठान या उपाय जो 1.25 महीने का हमने आपको बताया है, आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।